नहीं देखना, सूरज की तरह दमक रही है, मुझ में तो आग लग गई। अरे उसे छोड़, इसे देख चेहरा कैसे चमक रहा है, बिल्कुल चांद की तरह। डैडी आप इन दोनों से हमारी शादी करवा दो। क्या? ए, मैं तुम्हारा बाप हूँ या पंडित? सोचिए ना, अगर इनसे हमारी शादी हो गई ना तो रोज रोज की चोरी का झंझट खत्म। चुप कर, खानदानी बिजनेस छोड़ दोगे तो फिर हमारी विरासत का क्या होगा? ए, ए, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर हमारी फोटो नहीं देखना चाहते? अरे ये सस्ती वाली नौटंकी बंद करो, अगर हम चोरी करते भी हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, रोज यही काम, तो कब खाएंगे हम? क्या ये है जिंदगी? ये जिंदगी नहीं बेटे, बंदगी है। अरे तुम्हारे पास भी क्या दिमाग है, आगे बढ़ो। देखना पड़े, आ जाओ छोटे। अरे ये क्या कर रहे हो, आपस में गले लगना छोड़ो और जाकर उन लड़कियों के गले लगो। पुलिस ने नहीं, मैंने बजाई है, ये लोग भी ना। अरे वाह, कितनी मोटा घर, बगीचा देखो कितना बड़ा है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? अरे गुरखा बाबू साहब को पर्स देना जी, देखो। ठीक बच्चा। मोहन राव जी। अरे मोहन राज जी। ओ मोहन राव जी। अरे मोहन राज जी जी। कौन है आप लोग? साहब ये पक्का भिखारी होंगे, आपसे भीख मांगने आए हैं और क्या। अबे वो हम लोग कोई भिखारी विकारी नहीं है समझे, हम लोग तो ये पैकेट लौटाने आए हैं, हम महाराष्ट्र के आदमी हैं, मैं हूँ रामलाल और ये है मेरी बाइकू। मैं सक्कू भाई। ये आपका पैकेट लीजिए जी। अरे ये तो मेरा ही है। शुक्रिया शुक्रिया, इसमें मेरे बहुत जरूरी कार्ड्स हैं। इसलिए तो ये सीधा हम आपको देने चले आए जी। यानी पैसे होते तो कभी नहीं आते? पैसे होते तो क्या हम चल के आते? अरे चुप, ऐसा नहीं बोलते, प्लीज आप अंदर आइए। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप, ये है मेरी जिंदगी, मेरी दोनों बेटियां, मनी चंदना श्री चंदना। नमस्ते बेटा, ये लोग ना मेरा जो पर्स घूम गया था वही देने आए हैं। थैंक्स भाई, कितनी सुंदर है दोनों और कितनी खानदानी दिखती है, और इसके गले में ये चेन तो कितनी जच रही है। जल्दबाजी ना कर, कटेंगे हमसे ही। भाव साहब इनकी शादी हो गई क्या? एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने ही वाली है। अरे क्या हो गया इन्हें, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ये जब भी कोई अच्छी या बुरी खबर सुनती है ना तो ये बेहोश हो जाती है। ओह कितने दुख की बात है, इनके सामने तो हर बात सोच समझ कर करनी होगी। चलो जी चलो जी। अरे नहीं, नहीं, नहीं। खाना तो खाकर जाइए आप लोग। अजय पहले हॉस्पिटल जी, सक्कू जी चलो जी। अरे अजीब हैं दोनों पर अच्छे इंसान हैं। मेरा पर्स जो लौटा दिया इन्होंने, प्लान पूरा फेल हो गया जी। जाने दो जी। अरे देखो वो देखो, अरे रामू के बापू इधर देखो। अरे मुझसे तो चला नहीं जा रहा। घर पहुँच गए जी। सक्कू जी दर्द हो रहा है। दोनों बहू लेने गए थे, ये क्या करके आ गए? अरे चोरी का माल छुपा कर ला रहे। मम्मी पापा समधी के घर से चोरी करके आए, शर्म आनी चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं खाली हाथ लौटते हैं क्या? जब भी हम बाहर जाते हैं अपने हाथ की सफाई तो दिखाते हैं ना। मैंने घुमाया अपना हाथ, कर दिया वहाँ पे सब साफ, देखोगे तो रह जाओगे दंग। सक्कू भाई नहीं किसी से कम। डैडी मम्मी ये तो हम बाद में भी उठा लाते, हमारी शादी फिक्स की या नहीं? इतनी आगे की मत सोचो बेटा, गए थे बढ़िया प्लान के साथ पर पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई। क्यों क्या हुआ? उन दोनों की सगाई तो पहले ही हो चुकी है। इसमें हंसने जैसा क्या है? कुछ नहीं जी, खबर सुनकर पागल हो गया है, एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। नहीं एम्बुलेंस नहीं, 100 ग्राम मिठाई मंगवाइए। काइकू जी इधर आइए ना। DDLJ में, परदेश में, कोयला में, इन सारी फिल्मों में हीरोइन की सगाई कहीं और हुई है और एंडिंग में शादी हीरो से होती है। हमारी भी होगी, फॉर्मूला सुपर हिट है। वैसे भी अभी शादी कहाँ हुई है वो हम देख लेंगे। एक काम कीजिए पप्पा, ये गमछा ओढ़कर सो जाइए क्योंकि हम जाग गए। भगवान लोग एक नारियल चढ़ाते हैं और उसके बदले में आपसे कितना कुछ मांग लेते हैं। मैंने कितने व्रत रखे आपके लिए और हमेशा एक ही इच्छा मांगी कि जिससे भी मेरी शादी हो वो मुझसे भी बड़ा भक्त हो। ये इच्छा पूरी कर दीजिए प्लीज। राम मेरे भगवान। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छे, आज तक मैंने किसी को कभी इतने प्रेम से गाते हुए नहीं सुना। ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो वाकई में हैरान हूँ कि इतने दुबले पतले से इंसान में इतना अच्छा गायक भी छुपा है। अगर डायरेक्टर ने ईश्वर फिल्म में आपको लिया होता तो लोग तो आपका परफॉर्मेंस देख के पागल हो जाते। इसीलिए तो उन्होंने नहीं लिया। गुरुजी आप एक मिनट के लिए अपनी चोंच बंद रखें। मैं तो आपका भजन सुन के मंत्रमुग्ध हो गई थी। मेरे जूनियर्स भी। जूनियर्स भी?
गुरुजी। मेरा मतलब इनके भक्ति भाव के सामने तो हम जूनियर ही है ना। वैसे आपका नाम क्या है? रामचंद्र। तमिलियन है? चिल्लाइए मत। ओ, आप तमिलियन है? आइए ना, आपको छोड़ देता हूँ, बातें भी हो जाएगी। चलो चलो चलो। आप यही रुकिए, आप आइए ना। मेरे दादाजी को बहुत लगाव था तेलुगु से, वो भजन गाया करते थे तेलुगु में। फिर एक दिन एक ट्विस्ट आया तेलुगु में, दादाजी को भयानक बीमारी लग गई तेलुगु में और वो सिधार गए तेलुगु में। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे आप क्या काम कर रहे हैं? ठगी का काम करता है। श्री राम के भजन गाता हूँ, वो भी तेलुगु में। अच्छा है, आप रहते कहाँ हो? मैं इसी मंदिर में रहता हूँ जब तक हकाला ना जाए। मेरा मतलब आपका एड्रेस क्या है? हाउस नंबर 420 ढोंगी वाला गली कबाड़ीपुरा। कबाड़ीपुरा? गुरुजी। कंट्रोल कंट्रोल कर बच्चा। मैं सालों से चोर बच्चों को राम नाम का ज्ञान देता हूँ ताकि उनमें से कोई वाल्मीकि भी बन जाए। जब आपको रामायण का इतना ज्ञान है तो मुझे भी रामायण की कुछ पंक्तियाँ समझाएंगे? चोर फंस गया। कुछ पंक्तियों से आप रामायण नहीं समझ पाएंगी। समझना ही चाहती हैं तो आपको संपूर्ण रामायण समझाता हूँ। सही कहा, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपसे मिली। सेम टू मी। तो मैं आपको फिर से कहाँ मिल सकती हूँ? किसी भी बार में। गुरुजी। जहाँ बार बार श्री राम का गुणगान होता है मैं वहीं मिलूंगा, ऐसा इनका कहना है। जी अच्छा, अब मैं चलूं? कल भी इंतजार करूंगा। अरे क्या पीटर भाई, बोल रहे थे 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग तो बकवास, डायलॉग भी कुछ भी बोल रहे थे, हर बार मेरी पोल खोल रहे थे। वो तो बच गए क्योंकि मैंने संभाल लिया, वरना आज मेरी धोती उतरने वाली थी। ठीक है ठीक है, बताओ बिल कितना हुआ? 2,06,000 रुपए। अरे 6,000 बोला था ना, 2,00,000 कहाँ से आए? वो देखो। उसे क्या हुआ? तेरी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। अब वो टपक गया, उसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा है। ए, पहले मैं शहर का सबसे बड़ा गुंडा था, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर तो बाद में बना। अगर तुम मुझे एक साथ सारे पैसे नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट में दे देना। मेरे पैसे नहीं दिए तो मार डालूंगा तुझे जान से। गुरुजी। पीटर। पीटर गुरु। खून खराबे में क्या रखा है? जैसे ही चेकबुक मिलेगी मैं फाड़ के दे दूंगा। ओके। कितना इंतजार करवाएगी? मामा वो आ गई, आप जाओ वो गटर का ढक्कन खोल दो। वो तो उसमें गिर जाएगी ना। नहीं, जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे बचाएगी। अरे ये बहुत फ्लॉप आइडिया है। पर ये ब्लॉकबस्टर होगा मामा, ये आइडिया मेरी लाइफ बदल देगा। उसे अनाथ और विकलांग लोग बहुत पसंद है, मुझे गटर के पास जाते देख उससे रहा नहीं जाएगा। वो भाग कर आएगी और मुझे कस के पकड़ लेगी, फिर हमारी आंखें मिलेंगी और हम एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। आप जाके ढक्कन हटाइए। अरे कितना भारी है, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। आप निश्चिंत रहिए, ठीक मैं सब संभाल लूंगी। अरे अंधे की एक्टिंग कर रहे हैं। अरे पलट कब देखेगी? अच्छा तो मैं चलती हूँ। हे भगवान, शायद वो देख नहीं सकता। अब सुनिए सुनिए, रुक जाइए, गटर का ढक्कन खुला है। हे भगवान रुकिए, प्लीज रुक जाइए। तो क्यों? हे भगवान मैं क्या करूं? अरे कौन हो गया? अरे पीछे हटो, पीछे हटो, मुझे देखने दो। अरे ये क्या कर दिया? देखो तुम इतना चिल्लाते हुए आई और आके इसे धक्का दे दिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उन्हें बचाने आई थी। सर जी सर जी, इसने तो कहा था ये आएगी और इसकी लाइफ बदल देगी, पर इसने तो लाइफ ही खत्म कर दी। लगता है मर गया है। चलो चलते हैं। मैं जिंदा हूँ। अरे तुम अभी भी जिंदा हो? बाहर निकालो। हाँ चलो, हाथ ऊपर करो। ये लो पकड़ो और मुझे बाहर निकालो। संभाल कर आइए। पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा? यही है वो लड़की जिसने तुझे नर्क में भेज दिया। नहीं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था देवी जी? I'm so sorry, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पीछे हटो। कोई बात नहीं देवी जी। तुलसीराम बाबू, अरे ये तो आप हैं। मैंने चश्मे की वजह से आपको पहचाना नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, होता है। आप इन्हें जानते हैं क्या? अरे कैसा सवाल कर रही हैं आप? अरे ये अनाथों के देवता हैं, ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं।
साक्षात देव रूप है। भाई साहब इतनी तारीफ मत कीजिए। नहीं नहीं मुझे बोलने दीजिए सर जी, आपको क्या बताऊं मैडम, ये तो जीते जागते चश्मे चरा के रोशन है, बस थोड़े किस्मत के मारे हैं कि इनके खुद के दिए बुझे हुए हैं। अच्छा तो फिर इनकी आंखों की रोशनी कैसे गई? इनकी आंखों की रोशनी नहीं गई मैडम, इन्होंने नेत्रदान कर दिया। क्यों? रहने दीजिए ना भाई साहब, कोई जरूरी काम होगा, इन्हें जाने दीजिए। जाइए मैडम। आप मुझे मत रोकिए, मुझे बोलने दीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये तब की बात है जब इनके चराग रोशन थे और तब ये एक दिन किसी की शादी अटेंड करने गए थे, और जब शादी का शुभ मुहूर्त आया तो उसी वक्त लड़के ने मना कर दिया। पर क्यों? क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी गायब थी, लड़का तो वहाँ से फौरन फरार हो गया। किसी लड़की का हाथ पकड़ के। सही। इन्हें इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि इन्होंने अपने नेत्रों की रोशनी उस लड़की को दे दी, दान कर दी, दे दी। जाने दीजिए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कीजिए। तो फिर आपने उससे शादी कर ली? आपने बताया नहीं उस लड़की ने शादी के बारे में क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगी। हाँ, और फिर वो भी किसी आई स्पेशलिस्ट के साथ भाग गई। अच्छा, भाग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, क्या किम्स हॉस्पिटल में किडनी चाहिए? मैं अभी आता हूँ। आप फिर से गिर जाएंगे। अभी से ध्यान रख रही है। थैंक यू। ये लीजिए आपकी चाय। एक बात बता, तुझे बदबू नहीं आ रही है? सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है। ध्यान से चाहिए कहाँ? चले मोटी हट। क्या अभी अपनी किडनी डोनेट कर देंगे? ये तो पैदाइशी ऐसे ही है, ये अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते, ये अपना सब कुछ दान कर देना चाहते। आजकल ऐसे इंसान भी होते हैं। बाबा, उसने आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि मैं अंधा हूँ। पप्पा, उसे लगा मैं रामदास हूँ, लेकिन शाम ढलते ही मैं देवदास बन जाता हूँ। तुम लोग मुंह फाड़ के हंसना बंद करो अब, और ये बताओ उन लड़कियों को जाल में फंसाया या नहीं? सिरी, बताना कौन है वो? कल मैं राम मंदिर में एक बहुत बड़े भक्त से मिली, उसका नाम है रामचंद्र। जब वो गाता है ना दीदी, तो ऐसा लगता है कि किसी ने भजन की सीडी लगा दी हो। सच कह रही है। कल मैं भी एक बहुत महान इंसान से मिली, वो ऐसा है जैसे मानो कर्ण ने फिर से जन्म ले लिया।